नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह अपनी कास्टिंग की वजह से चर्चाओं में है। दरअसल किसी फिल्म में पहली बार सलमान खान और आलिया भट्ट की जोड़ी बनने जा रही है, लेकिन दोनों सितारों की उम्र के फासले को लेकर भी बहस शुरू हो चुकी है। इस जोड़ी को बेमेल करार दिया जा रहा है। हालांकि इंशाल्लाह की कहानी भी सबके सामने आ चुकी है। जी हां, सलमान खान और आलिया भट्ट की फिल्म इंशाल्लाह की कहानी थोड़ी बहुत लीक हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंशाल्लाह की कहानी सलमान खान और आलिया भट्ट की एज गैप को जस्टिफाई करेगी। आलिया भट्ट और सलमान खान के बीच उम्र के फासले को ध्यान में रखकर ही इस फिल्म की कहानी गढ़ी गई है। फिल्म में सलमान खान एक मिडिल एज बिजनेसमैन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। सलमान का किरदार 1997 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है जैसा भी होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि सलमान खान और आलिया भट्ट के बीच एज गैप 27 साल का है। बेमेल जोड़ी के सवाल पर पिछले दिनों आलिया भट्ट ने बड़ी बातें कही थी। आलिया ने कहा था कि भंसाली एक विजनरी डायरेक्टर हैं। लोग बिना सोचे समझे जज करने लगते हैं। भंसाली एक प्लान कर रहे हैं और इस बेमेल कास्टिंग की एक खास वजह है। मैं सलमान खान के साथ काम करने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी और सलमान की बेमेल जोड़ी कभी किसी फिल्म में साथ में काम करेगी। वहीं इसके बाद आलिया भट्ट ने ये भी कहा था कि मुझे उम्मीद है कि एक दिलचस्प यात्रा होने जा रही है। सलमान काफी अच्छे इंसान हैं। सलमान और भंसाली की जोड़ी के करिश्मे से सभी वाकिफ हैं और मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर काफी ज्यादा खुश हूँ। आपको बता दें कि पिछले दिनों आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली के घर भी पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया को देखकर हाथ भी हिलाया था। खबर इस बात की भी है कि फिल्म की शूटिंग के लिए देश में कुछ लोकेशंस को फाइनल कर लिया गया है। इसमें ऋषिकेश, बनारस, हरिद्वार शामिल है। विदेशी लोकेशन पर शूट के लिए यूएसए के लोकेशन को फाइनल किया गया है। फिलहाल बात अगर आलिया भट्ट की करें तो आलिया भट्ट की कलंक हाल ही में रिलीज हुई है। वहीं सलमान खान फिलहाल भारत की तैयारी में जुटे हैं और साथ ही वो दबंग 3 की भी शूटिंग कर रहे हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।